एक शख्स मर जाता है, मरने के बाद उसका जब हिसाब किताब होता है तो पता चलता है उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बिल्कुल वहाँ पे भी ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी जहन्नम होती है। अमेरिका की जहन्नम, ऑस्ट्रेलिया की जहन्नम, पाकिस्तान की जहन्नम। और आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जिस जहन्नम में जाना चाहें जा सकते हैं। अब ये शख्स सबसे पहले अमेरिकन जहन्नम का जायज़ा लेता है तो पता चलता है यहाँ पे लोगों को पता किस तरह सजा दी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के पहले करंट लगाया जाता है, फिर आपको जलाया जाता है, और फिर एक बंदा आता है जो आपको छित्र प्लेट करता है। ये कहता है यार ये तो काम ठीक नहीं है। ये बाकी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बाकी ममालिक की जहन्नम भी देखता है, वहाँ पे भी सब कुछ यही चल रहा होता है। अब अचानक इसकी नज़र पड़ती है पाकिस्तान की जहन्नम के बाहर ना लोग टिम हार्टन कॉफ़ी की तरह लाइन लगा खड़े हैं, बड़े उतावले हैं, बड़े बेचैन हैं कि हम अंदर जाएँ, हमारी बारी आए। ये कहता है यार यहाँ पे किस तरह से सजाएं दी जा रही है। तो उसको पता चलता है भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चेयर है, यहाँ पे भी जलाया जाता है, और फिर उसके बाद आपको छित्र प्लेट की जाती है। वहाँ के दरोगा से पूछता है यार यहाँ यही सजाएं तो बाकी मतलब सारी जहन्नमों में दी जा रही हैं, तो यहाँ पर लोग क्यों उतावले हैं? तो दरोगा पता क्या कहता है, कहता है यार ये पाकिस्तान की जहन्नम के अंदर ना सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चेयर है ना वो ख़राब हुई पड़ी है काफ़ी अरसे से, उसको ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। जो मेंटेनेंस वाला बंदा आता है वो डेली कोई ना कोई बहाना लगा के चला जाता है। उसके बाद जो जलाने के लिए पेट्रोल और गैस है ये वो है नहीं। और तीसरी चीज़ जो छित्र प्लेट वाला बंदा ना वो सरकारी मुलाजम है, वो आता है अटेंडेंस लगाता है और चला जाता है। तो यार इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बगैर कुछ कहे।